गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू लर्न टूडे लूप्स। आज हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स होता क्या है, टाइप कितने होते हैं, इसके अलग अलग जो टर्म यूज किए गए उनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने इसको सॉल्व किया था, लेट स्टार्ट आपने बुक में कर लिया होगा, और हमने इन स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो आज चलिए, और हमने ये भी बताया था कि क्यों बेसिक होता क्या है, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट आर लूप्स। लूप्स होते क्या है, प्रोग्रामिंग में लूप्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। हम तो लूप्स जो होते हैं वो एक तरीके का अरेंजमेंट होता है जो कि किसी स्टेटमेंट को रिपीट करता है प्रोग्राम में। अगर आपको अपना नाम मान लीजिए किसी ने कह दिया राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट लिख लो या डिस्प्ले लिख लो योर नेम 10 times। तो अब क्या है कि आपको इस प्रोग्राम में करना क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपका नाम डिस्प्ले हो कितनी बार, 10 times। यानी काम क्या है, नाम को दिखाना है, नाम को डिस्प्ले करना है, ये प्रोग्राम बनाना है, लेकिन 10 बार 10 times। यानी एक ही काम कितनी बार करना है, 10 times। तो अगर आपके पास लूप नहीं हो, लूप अगर आप लूप के बारे में नहीं जानते हो या लूप स्टेटमेंट नहीं रहता प्रोग्राम में हमारे पास, तो हमको इस प्रोग्राम को लिखने के लिए 10 लाइन चाहिए, 10 लाइन्स। 10 times वी विल प्रिंट आवर नेम यूजिंग प्रिंट कमांड। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट कमांड को यूज करके एक ही बात लिखते हैं, प्रिंट माई नेम इज जो भी हो XYZ। ऐसे करके हम 10 बार ही स्टेटमेंट प्रिंट करते, 10 times वी विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट। बट यूजिंग लूप स्टेटमेंट वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम एंड वी विल राइट अ प्रोग्राम वेरी क्विक टाइम। अगर लूप स्टेटमेंट यूज कर लोगे तो इसमें जो साइज है प्रोग्राम की वो भी कम हो जाएगी और टाइम भी हमारा बचेगा और प्रोग्रामिंग जो कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी। समझ में आई बात। तो देख लेते हैं लूप क्या होता है। अ लूप इज एन अरेंजमेंट दैट रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टिल द गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू। जो लूप्स होते हैं उसमें एक कंडीशन हम दे देते हैं, उस कंडीशन को जब तक कि उस कंडीशन तक पहुंच नहीं जाता है प्रोग्राम, उतनी बार वो स्टेटमेंट को रिपीट करता रहता है। यानी लूप का मतलब क्या है कि कोई एक सर्कल है, वो सर्कल बार बार ऐसे घूमता रहेगा जब तक कि हम एक उसको कंडीशन दे चुके, जब तक वो कंडीशन ट्रू है। जैसे हमने लिख दिया कि 10 times, तो ये 10 times तक ऐसे चलता रहेगा हमारा काम, उतना बार रिपीट होता रहेगा, ये होता है लूप। लूप क्या है, लूप हमारे स्टेटमेंट को एक फिक्स कंडीशन तक, एक जब तक कि उस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आए वहाँ तक स्टेटमेंट को रिपीट करता रहता है, या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करता रहता है। एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, कई सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट का या सेट ऑफ स्टेटमेंट उनको रिपीट करता रहता है। टू फॉर्म अ लूप वी नीड टू क्रिएट एन अरेंजमेंट विद इन आवर प्रोग्राम टू हेल्प इट कीप ट्रैक हाउ मेनी टाइम द रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज टेकन प्लेस। दिस अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ अ काउंटर। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें लूप कितनी बार चले हो, फिक्स नंबर, तो उसके लिए हमको एक काउंटर का यूज करना पड़ता है। एक टर्म आता है काउंटर, वो काउंटर में हम बताएंगे, वो काउंटर जो है वो काउंट करता रहता है कि कितनी बार ये प्रोग्राम अब तक रिपीट हो चुका है। अगर नंबर रिपीट हो रहा है वो काउंट नहीं होगा तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, और हमको तो फिक्स नंबर तक ही सिर्फ रिपीट करना है प्रोग्राम को, एक कंडीशन तक ही
रिपीट करना प्रोग्राम को, इसलिए हम क्या करेंगे, एक काउंटर का यूज करेंगे और वो काउंटर काउंट करता रहेगा। जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ वो काउंटर बता देगा इतनी टाइम हो चुका है, अब हमारा जो प्रोग्राम में आपने दिया था कितनी बार रिपीट करना है वो काम हमारा पूरा हो गया और वही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अपना रोक देगा। समझ में आई बात? तो इसलिए हम काउंटर यूज करते हैं। काउंटर होता क्या है, काउंटर इज वेरिएबल दैट कीप ट्रैक ऑफ द नंबर्स ऑफ टाइम ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैज बीन एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग अ लूप। किसी लूप में कितनी बार हमारा स्टेटमेंट जो है वो रिपीट हुआ है उसका नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो कौन रखेगा, काउंटर रखेगा। काउंटर है क्या, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है जो कि रखता है ट्रैक किसका, नंबर ऑफ टाइम जो लूप में इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया गया है, कितनी बार वो लूप रन किया है, कितनी बार रिपीट हुआ है, इसका नंबर ये काउंटर स्टोर करके रखता है। ओके, एट द बिगनिंग ऑफ अ लूप द वैल्यू स्टोर इन काउंटर जनरली जीरो अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज नो रिपीटेशन हैज एट अकर्ड। ओके, जो लूप होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। कब तक, कब जीरो नहीं स्टार्ट होगा, जब हम उसको फिक्स पहले से फिक्स ना कर दें कि यहाँ से स्टार्ट होना है काउंटर को। तो जब भी काउंटर बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। ठीक, अब वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज बाय स्पेसिफिक स्पेसिफाइड नंबर कॉल द इंक्रीमेंट वैल्यू। अब वो जो काउंटर हमारा, एक काउंटर किस नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज होगा इसको हम स्पेसिफाई करते हैं, हम उसको बताते हैं कि नंबर जो होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। उसकी वैल्यू नीचे भी घट सकती है और ऊपर भी जा सकती है, उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट वैल्यू। और जो इंक्रीमेंट वैल्यू हम देते हैं उतना उसमें प्लस होता जाता है। शुरू कहाँ से होगा लूप, जीरो से। अगर इंक्रीमेंट वैल्यू हम वन दे दें तो इसमें वन प्लस हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा वन, अगले में फिर प्लस वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू टू। इस तरीके से जो इंक्रीमेंट वैल्यू होता है वो उसमें प्लस होता जाता है पिछले वाले में, और ये काउंट करके रखता है। अगर हम इंक्रीमेंट वैल्यू थ्री करें तो जीरो से स्टार्ट होगा, थ्री यहाँ भी थ्री, थ्री यहाँ सिक्स हो जाएगा, इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा। अब माइनस आप कर सकते हैं इसको, इंक्रीमेंट हम माइनस में भी कर सकते हैं। अगर हमको 10 से मान लो नीचे लाना हो, 10 से हमारी वैल्यू माइनस, 10 से 9 हो, 8 हो, 7, इस तरीके 10, 9, 8 इस तरीके से करना हो तो इंक्रीमेंट किस में कर देंगे हम, माइनस में। तो वो एक एक स्टेप नीचे आता जाएगा। यहाँ एग्जांपल में देखो लिखा हुआ है, एक सीटी है, सीटी क्या है, एक वेरिएबल है और इंक्रीमेंट वैल्यू, देखो सीटी इक्वल टू सीटी प्लस इंक्रीमेंट वैल्यू, यानी सीटी एक वेरिएबल है उसमें सी इक्वल टू सी टी प्लस इंक्रीमेंट वैल्यू, यानी अगर वन है तो वन यहाँ लिख दो। अब इस सी टी की वैल्यू क्या है, जीरो है, पता है तुमको कि जब भी काउंटर स्टार्ट होगा किससे स्टार्ट होगी वैल्यू उसकी, जीरो से। जीरो में प्लस कितना होगा वन, यानी अब इस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी वन। एक राउंड होने के बाद यानी एक रिपीटेशन के बाद वैल्यू वन हो जाएगी, अगले बार कितनी हो जाएगी वन प्लस वन यानी टू। जितनी बार ये सर्कल रिपीट करेगा उतना यहाँ नंबर एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। हाउ डज अ काउंटर वर्क, कैसे काउंटर काम करता है तुमको बता चुके हैं, फिर भी देख लो एक बार। टू डिफाइन अ लूप अ न्यूमेरिक वेरिएबल दैट वर्क एज अ काउंटर वेरिएबल इज यूज्ड। जब आप लूप कहीं यूज करो प्रोग्राम में तो उसके लिए एक वैल्यू आप देते हो, न्यूमेरिक वैल्यू, एक वेरिएबल देते हो, न्यूमेरिक वेरिएबल सॉरी। उस वेरिएबल का काम है ट्रैक को काउंट करना, जिसको हम क्या कहते हैं, काउंटर वेरिएबल। इट इज असाइन इनिशियल वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज इंक्रीज एंड डिक्रीज टू रीच अ प्री डिफाइंड फाइनल वैल्यू। इसका एक इनिशियल वैल्यू होता है, बाय डिफॉल्ट जीरो होगा, उसको आप चाहो तो स्पेसिफाइड कर सकते हो, और ये तब तक रिपीट करता रहता है तब तक ये
एग्जीक्यूट होता रहता जब तक कि इंक्रीमेंट या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, जब तक कि हम एक नंबर दे दिए रहेंगे उस नंबर तक नहीं पहुंच जाता है। समझ में आ गया? यहाँ देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। काउंटर इक्वल टू वन, यानी कि यहाँ वैल्यू असाइन कर दी गई कितनी, वन, किसका, काउंटर का। बाई डिफॉल्ट कहाँ शुरू होता है, जीरो से, लेकिन यहाँ क्या है, वन, सो वन हो जाएगा। फिर देखो कंडीशनल, कंडीशन चेक्ड, यहाँ कंडीशन चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ जो आप काम किए हो वो काम होगा, यानी प्रिंट काउंटर, काउंटर की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। और फिर क्या हो जाएगा, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन, तो अब काउंटर मान लो वन था, यहाँ क्या लिखा है, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन, यानी अब वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, और टू होने के बाद फिर ये आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ से फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ आएगा और प्रिंट कर देगा टू, क्योंकि आपने क्या लिखा, प्रिंट काउंटर, काउंटर को प्रिंट कर देगा टू, पहली बार में वन प्रिंट करेगा क्योंकि पहली वैल्यू क्या है यहाँ काउंटर की, वन, दूसरी बार में वैल्यू प्रिंट करेगा टू। फिर प्रोग्राम आ जाएगा हमारे यहाँ, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन, काउंटर की वैल्यू भी क्या है, टू, प्लस वन करेगा थ्री, फिर प्रोग्राम यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि हमने उसको वैल्यू जो दिया है वो वैल्यू, यहाँ जो आप कंडीशन देख रहे हो, ये कंडीशन, एक कंडीशन का रिजल्ट जब तक ट्रू आता रहेगा। यहाँ देखो कंडीशन का वैल्यू क्या है, ये ट्रू आया वैल्यू, तो जब तक वैल्यू ट्रू आता रहेगा तब तक ये प्रोग्राम ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। जब फाल्स हो जाएगा तो यहाँ स्टॉप हो जाएगा, देखो फाल्स पे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ट्रू पे ये हमारा रिपीटेशन होता रहेगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर जो होता है वो एक वेरिएबल होता है जो कि वैल्यू, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस समय कोई वैल्यू आप जो रखते हो उसको स्टोर करता है। देख लेते हैं, एन एक्यूमुलेटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द सम ऑफ द नंबर्स इंटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप। ये एक वेरिएबल होता है जो कि नंबर स्टोर करता है, कौन सा नंबर, वो नंबर जो इंटर किया जाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप, कोई जब लूप एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय कोई वैल्यू जब इंटर होती है उसको ये रखता है। कैसे, इसका सिंटेक्स देख लो, सम इक्वल टू सम प्लस एन, कितना वैल्यू इंटर करना है वो हम एन लिखेंगे, और एक सम क्या है, एक वेरिएबल है। समझ आ गई बात? व्हेन एन इज, वेयर एन इज द नंबर दैट इंटर ड्यूरिंग अ रिपीटेशन, एन क्या है, एक नंबर है जो कि कब इंटर किया गया है, जब वो लूप एग्जीक्यूट हो रहा था, जब वो रिपीट हो रहा था। समझ में आ गई बात? बाकी जो लूप्स के टाइप हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। समझ में आ गई बात?